हेलो गाइस। तो यार कैसे हो सभी लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था रिगार्डिंग द आईसर एग्जामिनेशन का कि भैया आईसर के एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हो रहे हैं। सो फाइनली जो अपडेट निकल के आ रही है आईसर की तरफ से कि जो आपके जो रजिस्ट्रेशन है दिस इज स्टार्ट फ्रॉम 25 मई @3 PM यानी कि 25 मई को शाम को 3 बजे से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो जस्ट जो है आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं 25 मई से, और इसकी जो एंड डेट है वो जल्द ही रिलीज की जाएगी। एंड आपको यार कम से कम जो है 15 से 16 दिन का तो आप टाइम मान के चलो ही कि 15 से 16 दिन तक का तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके रिगार्डिंग और भी स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वारी थी कि भैया कौन सा आईसर अच्छा है कौन सा आईसर बुरा है। तो जो आईसर का जो क्वालिटी रिव्यू वीडियो जो है दिस इज जो है वो लॉन्च कर दिया गया है हमारे इंजीनियरिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली आपको अगर मैं बताऊं तो इस चैनल पे आपको जो है IIST आईशर नाइशर एंड CUET एंड कुछ ही इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन हमारा जो सेकेंड चैनल है इंजीनियरिंग वाला एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो भी पावर्ड बाई, तो उसके ऊपर आपको जो है इंडिया के ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों के क्वालिटी रिव्यू वीडियोस मिल रहे होंगे। सो जस्ट उसका लिंक मैं जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसको जरूर सब्सक्राइब करिए इंजीनियरिंग वाला। एंड हमारी जो फैकल्टी है दिस इज ऑल फ्रॉम IITs NITs एंड DTU NSIT। ओके सो जस्ट यू कैन ट्राई नाउ। और यार आईसर का क्वालिटी रिव्यू वीडियोस द आईसर रियलिटी शो या फिर द आईसर शो रिलीज कर दिया गया है। आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टोटल जो भी 7 आईसर्स है उसका क्वालिटी रिव्यू वीडियोस इंजीनियरिंग वाला पे रिलीज कर दिया गया है। जरूर जाके वॉच कीजिए देखिए। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो आईसर के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जो है हमारी। आप काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्या आती है आईसर के अंदर। एंड यार हमारा जो है आईसर एडमिशन प्रोग्राम भी चल रहा है जिसके अंदर जो आपका एडमिशन है फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्म टू लास्ट अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है जिसके अंदर आप इनरोल हो सकते हो। बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आईसर के अंदर आपको जो चॉइसेस है वो सबसे पहले ही फिल करनी होती है। ओके सो जैसे आप चॉइसेस फिल करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं आईसर की चॉइस गलत फिल कर देते हैं। पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था कि भैया हमारे 160 मार्क्स हैं, हमारे 150 मार्क्स हैं, हमारे 162 है, हमारे 140 है। तो यार उनको बहुत अच्छा आईसर मिल सकता था जैसे लाइक आईसर पुणे मिल सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया पहले ही आईसर तिरुपति सेलेक्ट कर दिया, आईसर तिरुवनंतपुरम सेलेक्ट कर दिया। बाद में उन लोगों ने बहुत सारे ईमेल डाले कॉल किए, हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आए थे कि भैया हम क्या करें, क्या हमारा स्पोर्ट में हो जाएगा, हमारा डायरेक्टली हो जाएगा, क्या करें। या तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है ठीक है। अब अगर आप कोई भी बीज बोते हैं तो जस्ट लाइक अगर आपको कोई भी फल चाहिए तो सबसे पहले आपको बीज को बोना पड़ेगा। अगर आपने बीज ही गलत बो दिया, अगर आपने सीड वहाँ पे गलत डाल दिया है ठीक है, अगर आपने आम की जगह अगर आपने अंगूर डाल दिया है तो अंगूर ही लगेगा ना वहाँ पे, आम तो कैसे आएगा राइट। सो सबसे पहले यही मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता। अगर अपन JEE वगैरह की बात करें तो काउंसलिंग बाद में होती है एंड मोमेंट पे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता राइट। सो जस्ट आप जो है हमारी टीममेट्स की काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं जिसके अंदर आपकी पूरी हेल्प की जाती है टिल द अलॉटमेंट प्रोग्राम तक। एंड अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो देन आपसे चार्जेस भी नहीं लिया जाता है, दिस इज रिफंडेबल, आपको रिफंड करा दिया जाता है। एंड इंडिया के बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर एडमिशन प्रोग्राम इज ऑलरेडी रनिंग इन द फ्री काउंसलिंग चार्जेस विद इंक्लूड ऑल आईसर एंड अदर। तो जस्ट यू कैन इनरोल नाउ। और भी आईसर के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वारी हो तो आप बता सकते हो। एंड बेसिकली एक मैं आपका क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ यार, आईसर इज नॉट ए जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम और जॉब ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट। ओके सो यहाँ पे जो है अगर आप मान के चलो अगर 180 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं आईसर के अंदर किसी कोर्स के अंदर, तो उसमें से एटलीस्ट 130 या फिर 140 स्टूडेंट जो है वांट टू गो टू फॉर फर्दर स्टडीज इन स्टडी अब्रोड या फिर टॉप IITs टॉप NITs टॉप IISc बेंगलोर एंड जस्ट लाइक MIT यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे जो प्लेसमेंट वाला अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 4 साल का कोर्स करके जैसा कि अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट गूगल के जो BTech IIT वाले प्लेसमेंट फोड़ रहे हैं वो मैं फोड़ सकूँ, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देन आईसर आपके लिए नहीं है यार, आईसर में भी बहुत अच्छा अच्छा प्लेसमेंट गया है। बेसिकली अगर मैं देखूं तो कुछ कंपनीज थी जैसे लाइक इंटरनेशनल जैसे लेकमे है या फिर
और भी ओरियल वगैरह में आई थिंक 1 करोड़ कुछ ऐसा कुछ प्लेसमेंट गया। एंड एवरेज प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो यार आयसर का भी एटलीस्ट 5 से 6 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट जाता है। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर 180 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 180 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो 140 बच्चे तो यही चाहते हैं कि हम पीडॉक करें, पीएचडी करें, या फिर जो भी अदर फर्दर स्टडीज होती है, ठीक है, जो जीआरई वगैरह देखे बाहर निकल जाते हैं और जस्ट अच्छी साइंटिस्ट की पोजीशन या फिर अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट पकड़ते हैं ये लोग, और अच्छे रिक्रूटर भी आते हैं बेसिकली आईसीआर के अंदर, लेकिन बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसीलिए जो है सारे आईसीआर को तो हम आईआईटी से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ है जिनको हम आईआईटी से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आईसीआर पुणे है, राइट, जिसको आप टॉप आईआईटी से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे अगर अपन फैकल्टी वगैरह की बातें करें तो दिस इज़ वेल एंड गुड। सो यार आई थिंक आपको वीडियो जस्ट कुछ हेल्प करेगा, तो जैसे आप काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो देन, एंड जस्ट इंजीनियरिंग वाला को जरूर सब्सक्राइब करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।